आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को उसके ही देश में घेरने के बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगभग सभी देशों ने आतंकवाद की घोर निंदा की, भारत की तरफ से मैंने आतंकवाद की मुखालफत की, सार्क सदस्यों से मैंने इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले इसके लिए जरूरी है कि ना सिर्फ आतंकवादियों को और उनके संगठनों के खिलाफ बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राष्ट्रों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल ना की जाए। राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि उन्होंने सार्क सम्मेलन में कहा कि एक देश का आतंकी दूसरे देश का शहीद कैसे हो सकता है। दक्षिण एशिया समेत पूर्व विश्व पर आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने इस मानवता विरोधी खतरे को स्पष्ट संदेश दिया है। इस दौरान गृह मंत्री ने पाक के बुरे बर्ताव की बात करते हुए कहा कि पाक गृह मंत्री ने लंच पर बुलाया और खुद चले गए। मुझे इसकी नाराजगी नहीं है, मैं वहां भोजन करने नहीं गया था, मैंने जो किया मर्यादा में रहकर किया, लेकिन यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे, यही कामना है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कई दलों के नेताओं ने उनका समर्थन किया, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सभी दलों और इस सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे भाषण का प्रसारण हुआ या नहीं यह कहना कठिन है, लेकिन भारत की मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के भाषण के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी सफाई में पाक ने परंपरा का हवाला दिया था। तो राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन में इशारों में पाक को खूब खरी खोटी सुनाई। सिंह ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान अच्छे और बुरे आतंक के बीच फर्क करना बंद करे। बुरहान वानी को जिस तरह से पाक ने शहीद बताया था, उसे लेकर भी सिंह ने पाक को करारा जवाब दिया है। देखते रहिए टीवी लाइव।